Assalamualaikum students, hope you are doing well. Accounting Circle के चैनल के ऊपर खुश आमदीद. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs की सीरीज स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने पहला चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अपलोड कर दिया था. और आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर टू यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के MCQs को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने किन किन इक्वेशंस के सही तरीके से आंसर देने हैं, गलत इक्वेशन को कैसे पहचानना है, गलत स्टेटमेंट को आपने कैसे पहचानना है, और किसी चीज़ की वैल्यू अगर आपके पास गिवन ना हो तो किस तरीके से निकालनी है. तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को MCQs में प्रॉब्लम होता है तो वो इसकी तैयारी कर सकें. तो आपको पहले MCQs में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. ठीक है, एसेट बराबर होते हैं कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़ के? नहीं. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटीज़? नहीं. लाइबिलिटीज़ बराबर होती हैं एसेट प्लस कैपिटल के? नहीं. करेक्ट ऑप्शन इज डी, एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के. और कैपिटल की जगह अगर लिखा हुआ है कि ओनर्स इक्विटी तो तब भी ठीक है, यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड में आपको क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन अकाउंटिंग इक्वेशन. तो पहले वाले से रिलेट करता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है को जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है या अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को. एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इनकम के? नो. एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के? यस, अभी तो पढ़कर आए हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, उसके बाद आपके पास थर्ड MCQs क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस, जिन्होंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है. एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के? यस, करेक्ट है. सेल बराबर होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के? यस. डी, कैपिटल बराबर होते हैं एसेट प्लस लाइबिलिटीज के? नो. करेक्ट जो है जो इक्वेशन है वो तो ये तो गलत इक्वेशन है. तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट है गलत वो यहाँ पर है और आपका करेक्ट ऑप्शन भी ये डी है. उसके बाद आपके पास चौथा MCQ है कि टोटल करें एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंस का टोटल और नेट प्रॉफिट का टोटल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट के. अगर आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं तो इसका आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में होता है और एक्सपेंसेस जो हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होकर आए हुए होते हैं. तो नेट प्रॉफिट को रिवर्स ऑर्डर में एक्सपेंसेस में प्लस करवाएंगे तो किसके बराबर होगा? ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होगा. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी क्वेश्चन है जो कि करेक्ट है. एक्सपेंस में बराबर होते हैं सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के? नो. ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है, गलत. एक्सपेंसेस बराबर होते हैं रेवेन्यू प्लस नेट लॉस के? यस. यानी कि इसके जब नेट लॉस आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यू और नेट लॉस मिलाकर आपके एक्सपेंसेस के बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. एक्सपेंसेस बराबर होते हैं रेवेन्यू माइनस नेट लॉस के? गलत है. रेवेन्यू माइनस नेट प्रॉफिट होगा तो सही इक्वेशन होगी. इसी तरीके से एक्सपेंसेस बराबर होते हैं रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट के? नो, माइनस होगा तो ये करेक्ट ऑप्शन होता. अदरवाइज ये आपकी करेक्ट इक्वेशन है और यही आपका करेक्ट जो है वो आंसर है. ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, छठे में आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो कि इनकरेक्ट है, गलत है. प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल? यस, करेक्ट है. लो डिक्रीज कैपिटल? यस, करेक्ट है. एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीज कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल इंक्रीज कर जाता है? यस. तो इसका मतलब ड्राइंग इज एडेड इन कैपिटल? नो, लेस करवाई जाती है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं सेवेंथ में आपको कह रहे हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंस अवर इनकम इज, अगर इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो तो वो क्या होता है? वो नेट लॉस होता है, सिंपल सी बात है. एट में आपको क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की. तो ओनर्स इक्विटी, नन ऑफ अबव, क्रेडिटर्स इक्विटी या टोटल इक्विटी. ओनर्स इक्विटी जो होती है वो आपकी कैपिटल होती है, यानी कि वो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है. टोटल इक्विटी से मुराद होता है कि इसमें लाइबिलिटीज भी शामिल हों. उसके बाद नाइन्थ में आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है, गलत है. ठीक है जी, तो चार ऑप्शन है. रेवेन्यू बराबर होते हैं एक्सपेंस माइनस नेट लॉस के? नो. अभी तो ऊपर आप पढ़ के आए थे, क्या रेवेन्यू बराबर होते हैं एक्सपेंस प्लस नेट प्रॉफिट के? नहीं. एसेट बराबर होते हैं, सॉरी वो पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट, गलत है. कौन सी स्टेटमेंट? रेवेन्यू बराबर होते हैं एक्सपेंस माइनस नेट लॉस के. एक्सपेंस में से नेट लॉस आप माइनस करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है? रेवेन्यूज आ जाते हैं. उसके बाद रेवेन्यू बराबर होते हैं एक्सपेंस प्लस नेट प्रॉफिट के? यस. नेट प्रॉफिट को और एक्सपेंस को प्लस करवाओगे तो रेवेन्यू आ जाएगा. एसेट बराबर होते हैं ऑनर सिक्योरिटी प्लस लाइबिलिटी के? यस, करेक्ट है. लाइबिलिटी बराबर होती है एसेट प्लस कैपिटल के? नो. करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट इक्वेशन ये है, ये तो गलत इक्वेशन है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी. ठीक है जी, टेंथ में आपको क्या कह रहे हैं द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस करती है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास ये ऊपर मौजूद है, इस ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ. एसेट बराबर होते हैं
ऑनर्स प्लस लायबिलिटी के, ठीक है ना, ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, इसका मतलब दो तरफा बात चल रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट चलता है, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट की बेस के ऊपर जो काम हो रहा होता है। उसके बाद आपको कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एसेट एंड ऑनर्स इक्विटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑनर्स इक्विटी और एसेट दोनों को इंक्रीज करेगा। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, इसमें एक एसेट बढ़ेगा एक कम होगा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, एसेट कम होगा लायबिलिटी कम होगी। ड्राइंग ऑफ ऑनर, जो आपकी ड्राइंग इक्विटी कम होगी और जो भी आपने ड्रॉ किया एसेट वगैरह वो कम होगा। तो इंक्रीज कौन करेगा, प्रॉफिट अर्न्ड एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, आपने प्रॉफिट कमाया और बिजनेस में रिटेन कर दिया, लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे आपका एसेट भी बढ़ेगा और इक्विटी भी बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। द एक्सेस ऑफ एसेट अवर कैपिटल इज कॉल्ड, आपके एसेट ज्यादा हो आपके कैपिटल से, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज कहलाएगा। आप ऊपर इक्वेशन में काफी बार ये बात पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद आपके पास 13 में क्या कह रहे हैं कि एक ओल्ड एसेट, इफ एन ओल्ड एसेट इज सोल्ड एट अ प्राइस मोर देन इट्स बुक वैल्यू देन ओनर्स इक्विटी विल, अगर एक पुराना एसेट अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा का बेच दिया जाए तो ओनर्स इक्विटी क्या होगी, यानी कि अगर 10 रुपए का एसेट है 12 में बेच दिया जाए तो 2000 का प्रॉफिट है ना, या 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो आपकी ओनर्स इक्विटी जो है वो गेन की अमाउंट से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 14 में कह रहे हैं टोटल लायबिलिटीज जो बिजनेस की है वो 1.5 लाख है, ओनर्स इक्विटी जो है वो 350 की है, तो टोटल एसेट कितने के होंगे, तो आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के, तो लायबिलिटी 150 में प्लस करवा लो इक्विटी 350, तो आपके पास 5 लाख आंसर आ जाएगा किसका, टोटल एसेट का। उसके बाद 15 में आपको क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इनकरेक्ट है, गलत है। ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होती है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के, ये तो सही इक्वेशन है। सेल बराबर होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के, ये भी सही इक्वेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट का बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, ये भी सही है। तो इसका मतलब डी ही गलत होगी, नेट प्रॉफिट का बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नहीं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करवा जाते हैं, प्लस थोड़ी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। उसके बाद 16th एमसीक्यूज में आपको क्या बात बोल रहा है, 16th एमसीक्यूज में आपको बोल रहा है टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस 50,000 व्हिच आर 2/3 ऑफ टोटल एसेट देन टोटल एसेट वुड बी, टोटल एसेट कितने होंगे, ये एमसीक्यूज आपके पास पेपर में भी आ चुका है। टोटल एसेट जो है वो 50,000 रुपए के हैं, जो कि एसेट के 2/3 है, 2/3 हिस्सा है, ठीक है ना, यानी कि उसका 66% आप कह लें, ठीक है। तो जब आपको टोटल मालूम करना होता है तो आप रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 2/3 था तो 3/2 कर लेंगे, तो 50,000 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 150, डिवाइड होगा 2 से तो 75,000 आपके पास आ जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कौन सी इक्वेशन या स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस अवर रेवेन्यू, नहीं ये तो नेट लॉस होता है। एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवर सेल, नहीं ये तो ग्रॉस लॉस होता है। एक्सेस ऑफ सेल्स अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अवर एक्सपेंसेस आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, और इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। 18th एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ठीक है, नेट सेल बराबर होती है सेल माइनस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट के, नहीं भाई सेल में से परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट माइनस ही कब करवाते हैं, गलत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होती है सेल माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, नहीं सेल में से एंडिंग इन्वेंटरी तो माइनस ही नहीं करवाते। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी के, नहीं भाई क्या कैसी बातें करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस नहीं करवाते। इट मींस करेक्ट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के, जो कि अभी ऊपर ऑप्शन में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद 19th एमसीक्यू, द इक्विटी ऑफ क्रेडिटर, जो बाहर के लोग हैं, रिप्रेजेंट डेट, डेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी को ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, बिजनेस की डेट को उसको क्या कहा जाता है, जाहिर सी बात है डेटर्स क्लेम है, बाहर के लोगों का क्लेम है, तो उसको क्या कहा जाता है, लायबिलिटीज कहा जाता है। 20th में कह रहे हैं एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस 80,000, बिजनेस के खर्चे कितने हुए 80, और लॉस हुआ कितना 30,000 रुपए का, तो रेवेन्यू कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर लॉस हुए तो रेवेन्यू कम हुआ होगा, तो 80 में से आप 30 माइनस करवा दो तो आपके पास 50,000 क्या हो जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 21 में कह रहे हैं कि एक्सपेंस आपके कितने हुए 50,000 है, और जो नेट इनकम हुई है प्रॉफिट हुआ वो 20,000 का हुआ, तो रेवेन्यू आपके कितने होंगे, तो आपके रेवेन्यू ज्यादा ही होंगे ना जब आपको नेट इनकम हुई है, ये रही ऊपर इक्वेशन लिखी हुई कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब आप नेट प्रॉफिट में प्लस करवा देंगे तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा 20 + 50 = 70,000 है, 70 अगर रेवेन्यू है, 50 एक्सपेंस माइनस करवाया तो नेट इनकम आपकी 20 की आएगी, ओके जी। उसके बाद कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफ बिजनेस 60,000, नेट लॉस जो हुआ है वो आपके पास कितना हुआ 15,000 का हुआ, तो एक्सपेंस कितने होंगे, एक्सपेंस ज्यादा ही होंगे, तो रेवेन्यू के अंदर आप नेट लॉस को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 75,000 का, यानी कि आपके 75,000 के लॉसेस थे, सॉरी एक्सपेंसेस थे,
तभी तो 15 का लॉस आया और आपके रेवेन्यू 60 के थे। 75 में थे, अगर मैं 60 माइनस करवाता हूँ तो 15,000 का लॉस आपके सामने आ जाएगा। 23rd में क्या करें, रेवेन्यू है जो बिजनेस के वो 20,000 है, आपकी इनकम जो है वो 2,000 की है, तो एक्सपेंसेस कितने होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तभी तो नेट इनकम हुई है। तो 20 में से 2 माइनस करवा दो तो 18,000 के एक्सपेंसेस हैं। और इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर लें, 20 में से आप 18 माइनस करवाएं तो 2,000 का आपके क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 24 आपके पास क्या है, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट विल। अगर आप एसेट क्रेडिट पर लेते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, ऑप्शन अभी आप छोड़ दें, एसेट डेबिट अकाउंट वे विल क्रेडिट। इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि एसेट इंक्रीज कर रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, ओके। उसके बाद 25 में क्या कह रहे हैं, द राइट ऑफ आउटसाइडर। अभी ऊपर पढ़ा था इसका कॉन्सेप्ट, कि आउटसाइडर का जो कॉन्सेप्ट राइट होता है एसेट के ऊपर बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, वो लायबिलिटीज कहलाता है, ठीक है ना, डेटर्स क्लेम जो होता है आउटसाइडर का क्लेम। उसके बाद जो है ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, 26 एमसीक्यूज है भाई। सेल में से ग्रॉस सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपकी सेल ज्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है, आप माल ज्यादा का बेच रहे हो कम का आप बना रहे हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। 27th में क्या कह रहे हैं, एसेट आर इक्वल टू, एसेट किसके बराबर है, कैश कैपिटल के, यानी इन दोनों को प्लस करवा ले हैं, एसेट को आप कैपिटल से प्लस करवाएंगे, गलत है। कैपिटल माइनस अकाउंट पेबल, कैपिटल को माइनस करवाते हैं लायबिलिटी से तभी एसेट के बराबर होगा, नहीं, कैश और माइनस करवाएंगे कैपिटल को, नहीं भाई कैसी बातें करते हो, एसेट में से कैपिटल माइनस करवाओगे, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कि कैपिटल को अकाउंट लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी से अकाउंट पेबल से प्लस करवाओगे तो तभी आपके एसेट बराबर होंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन पर जो कि एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस अकाउंट पेबल यानी कि लायबिलिटीज के, ओके जी। 28th एमसीक्यू, कैपिटल में लायबिलिटीज प्लस करवाएं, बराबर होते हैं एसेट के, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें से एसेट माइनस करवा दें तो ये किसके बराबर होगा, तो भाई जीरो आ जाएगा ना। अगर कैपिटल है 80 का, लायबिलिटी है 20 की, एसेट उसी के बराबर होंगे, यानी कि 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, और एसेट भी 100 है, 100 में से 100 माइनस करवाए कितना आया, जीरो आया ना, 0.2 का 4 तो नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 29th एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, इन अकाउंटिंग ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज हैविंग, जितनी भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है उसका क्या होता है, सिंगल एस्पेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, या नन ऑफ द अबव, डुअल एस्पेक्ट होता है, दो तरफा ट्रांजेक्शन हो रही होती है, डेबिट क्रेडिट और होता है, ठीक है जी। 30th में क्या करें, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर उधार पर खरीदा तो क्या होगा, तो भाई एसेट खरीदे फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, आपके पास एसेट इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, इंक्रीज बोथ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको 31 में कह रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑफ एसेट इज डन थ्रू, जो आप एसेट की फाइनेंसिंग करते हैं वो किससे करते हैं, या तो ओनर करेगा या तो बाहर से लेना पड़ेगा, इट मींस कैपिटल ओनर का हिस्सा एंड लायबिलिटीज बाहर के लोगों का हिस्सा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 32 में क्या कह रहे हैं, टोटल एसेट आर इक्वल टू, वेरी इजी, किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज के, नहीं, टोटल इक्विटीज के, इनकम एंड एक्सपेंसिस के या कैपिटल के, देखें टोटल लायबिलिटीज एक साइड है बाहर के लोगों का, इनकम और एक्सपेंसेस तो बाद का चक्कर है, कैपिटल सिर्फ अपना, इक्विटी से मुराद क्या होता है, इक्विटी से मुराद ये होता है कि टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके टोटल एसेट बन रहे होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इक्विटीज होगा, ठीक है ना, आम तौर पर। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन करोगे जब आप कस्टमर से तो क्या एंट्री बनाओगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बनाओगे, कैश डेबिट बनाओगे, कैश एसेट बढ़ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल है वो कम हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, इंक्रीज वन एसेट, कैश बढ़ रहा है, डिक्रीज अनदर एसेट, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 34 में आपको क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा है जो आपके टोटल एसेट को चेंज नहीं करेगा, बी ऑप्शन में देख लें, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है तो चेंज हो रहा है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट में तो चेंज आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, नॉट चेंज का बोला है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय ओनर, ओनर ने खरीदा फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, तो उसकी अपनी ड्राइंग है, अपना जाती इस्तेमाल है, ठीक है ना, तो इसका बिजनेस के एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 35th एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट ऑन कैश, जब आप एसेट खरीदते हो कैश पर तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, ओके। उसके बाद 36 में कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इनटू बिजनेस वुड, जब इन्वेस्टमेंट करेगा ओनर बिजनेस के अंदर तो उससे क्या होगा, एसेट बढ़ेगा और इक्विटी बढ़ेगी ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, इंक्रीज बोथ एसेट एंड ओनर्स इक्विटीज, ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें 37th एमसीक्यू की, द राइट ऑफ ओनर ऑन एसेट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड,
बिजनेस के एसेट के ऊपर जो ओनर का राइट होता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल या ओनर इक्विटी कहलाता है। बाहर के लोगों का लायबिलिटीज कहलाता है। 38th MCQs में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ओनर इक्विटी बिजनेस की कितनी है? 150 है, विच इज 3/4 ऑफ टोटल एसेट, जो के टोटल एसेट का 3/4 है, यानी कि 75% है। तो टोटल एसेट कितने के होंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस रेशियो को 3/4 जो है उसको उल्टा कर लें, 4 ऊपर 3 नीचे। तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लेख आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल एसेट कितने के हैं? 2 लेख के। 39, द इक्विटी ऑफ ओनर इज कॉल्ड, ओनर की जो इक्विटी होती है वो क्या कहलाती है? वेरी सिंपल, कैपिटल कहलाती है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट ओनर इक्विटी, इनमें से कौन सी इक्वेशन है कि जो ओनर इक्विटी को इफेक्ट नहीं करेगी? कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, ओ माय गॉड, कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट, इफेक्ट होगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय ओनर फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, ड्राइंग है, इफेक्ट करेगी, इक्विटी कम होगी। पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज बाय ओनर फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, ये भी ड्राइंग है, इफेक्ट होगी। तो पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस बाय चेक, ठीक है ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, इससे तो इसकी इक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। 41 में क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू ऑफ बिजनेस 5 लाख, आपके एक्सपेंसेस 550 के हैं, तो नेट इनकम या नेट लॉस कितनी? क्योंकि लॉस ही होगा क्योंकि आपके रेवेन्यूज कम है और 50,000 रुपये से एक्सपेंस आपके ज्यादा हैं, तो नेट लॉस होगा आपका 50,000 रुपये का। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 42 में कह रहे हैं रेवेन्यू जो है आपके, रेवेन्यू ऑफ बिजनेस 4 लाख वाइल एक्सपेंसेज आर 2,50,000, तो आपको नेट इनकम होगी। सो देन द नेट इनकम और नेट लॉस इज 4 लाख में से आप 250 के एक्सपेंसेस माइनस करवा दें तो आपकी नेट इनकम हो जाएगी 1,50,000 रुपीज की। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है जी। उसके बाद 43 में कह रहे हैं कि टोटल लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस 2 लाख विच आर 1/5 है टोटल एसेट का, ठीक है ना, यानी कि 1/5 से मुराद होता है कि 20% है। देन टोटल एसेट और टोटल एसेट कितने होंगे? फिर से रेशियो को घुमा लें, 1/5 है, 5/1 कर लें, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 लाख हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल एसेट कितने हुए? 10 लाख हो गए। ओके, करेक्ट ऑप्शन। 44 में कह रहे हैं टोटल लायबिलिटीज बिजनेस की हैं 2 लाख विच आर 1/5 ऑफ टोटल एसेट, ओनर इक्विटी कितनी होगी? तो अभी आपने ऊपर 1/5 जो है टोटल एसेट निकाला 2 लाख की लायबिलिटीज से, तो दोबारा से आप निकाल लें, 1/5 है लायबिलिटीज किसके? टोटल एसेट के। तो आपके पास टोटल एसेट कितने निकलेंगे? रेशो को उल्टा किया, 2, 5, 10, 10 लाख एसेट में से लायबिलिटीज 2 की माइनस करवाई तो आपके पास ओनर्स इक्विटी कितने की आ जाएगी? 8 लाख की ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। 45 में क्या करें? टोटल लायबिलिटीज 1 लाख की हैं जो कि 1/4 हैं, 1/4, 1/4 यानी कि 25% हैं टोटल एसेट के, तो ओनर्स इक्विटी कितनी होगी? तो 1 लाख है, रेशो को उल्टा कर लें, ठीक है ना, 4/1 हो जाएगा, 1 लाख को 4 से आप मल्टीप्लाई करवा लें, 4 लाख आ जाएगा। एसेट 4 लाख में से आप लायबिलिटी 1 लाख की माइनस करवा लें तो ओनर सिक्योरिटी कितनी हो जाएगी? 3 लाख की हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद 46 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें या आइडेंटिटी करें, गलत है इसके अंदर ये लिखा हुआ, आइडेंटिफाई करें करेक्ट फिगर को, एसेट माइनस लायबिलिटीज बराबर होता है कैपिटल के। ठीक है जी। 250 में से 1 लाख माइनस करवाएंगे 50 आएगा, नहीं गलत है। 340 में से 140 माइनस करवाएंगे तो क्या 3 लाख के बराबर होगा, गलत है। 5 लाख माइनस करेंगे 1 लाख, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख के बराबर आएगा, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। 6 लाख में से अगर 2 लाख माइनस करवाते हैं तो भाई 4 लाख आते, 3 नहीं आता, ठीक है ना। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है वो MCQ था। 47 में क्या करें? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फिगर, जो गलत फिगर है उसको आइडेंटिफाई करना है। एसेट बराबर, एसेट माइनस करेंगे लायबिलिटीज से बराबर होगा कैपिटल के, तो 2 लाख में से आपने 20,000 माइनस किया, 180 आया, करेक्ट है, इनकरेक्ट फिगर नहीं है। 440 में से 40 माइनस किया तो 4 लाख आएगा, करेक्ट फिगर है। 7 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 5 लाख आएगा, करेक्ट फिगर है। 8 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 7 लाख आना चाहिए, नहीं ये तो 6 लाख दे रहे, तो ये इनकरेक्ट फिगर होगा। ठीक है जी। तो डी इसका ऑप्शन था। उसके बाद आपके पास 48 MCQs है, वो कह रहे हैं अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाएं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करवा दें तो क्या आएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट फाइनल फिगर आएगा, सही है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? नेट प्रॉफिट आता है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाएं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, माइनस नेट प्रॉफिट करवाएं तो आपका क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट तो वहां पर आ चुका है, नेट प्रॉफिट आपने जो माइनस करवाना है तो बीच का जो रह गया वो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, आप ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करवाएं तो ये सेल के बराबर हो जाता है, माइनस करवा दें सेल से तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि जीरो। 51
जो एमसीक्यूज है उसके अंदर आपको क्या करें कि नेट प्रॉफिट, अब रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप ऐड करवा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऐड करवा दें कह रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा भाई, सीधी सी बात है सबसे ऊपर आ जाओगे सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, इफेक्ट नहीं करेगी ये बोला उसने, आपने विड्रॉ किया अपने जाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग है, इफेक्ट करेगी, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस कैपिटल बढ़ेगा इफेक्ट होगा, ऑनर इन्वेस्टेड फर्नीचर ये भी कैपिटल है इफेक्ट होगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कोई इफेक्ट नहीं आया कैपिटल पे तो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कह रहे हैं एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल्स इज, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से ज्यादा हो तो क्या है आपको नुकसान है, ग्रॉस लॉस है। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सी क्वेश्चन है जो कि टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम होगी, कैसे एसेट से ही करनी पड़ेगी तो एसेट इफेक्ट होगा, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट एसेट बढ़ जाएगा, इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, ड्राइंग ऑफ ऑनर फ्रॉम बैंक ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट एसेट इफेक्ट हो रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, देखो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक में आपका क्या हो रहा है कि कैश एसेट बढ़ रहा है बैंक एसेट कम हो रहा है, तो कॉन्ट्रा है ना, काउंटर कर दिया, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो नेट जो इफेक्ट है ना वो आपके टोटल एसेट के ऊपर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही है, 55 जो एमसीक्यू है उसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ड्रॉइंग डिग्री इंक्रीज कैपिटल नहीं भाई कम करती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर डिक्रीज कैपिटल नहीं भाई इंक्रीज करता है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज एसेट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी लाइबिलिटीज की पेमेंट एसेट इंक्रीज करती है, नहीं भाई एसेट कम होते हैं उससे और लाइबिलिटी भी कम हो जाती है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैपिटल को ये स्टेटमेंट जो आपको देंगे वो अफेक्ट नहीं करती है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल जी हाँ की जाती है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर कैपिटल बढ़ जाता है, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल कैपिटल कम हो जाता है, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट कोई इफेक्ट नहीं आता कैपिटल से, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा 57th लास्ट एमसीक्यूज है जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है गलत है, सेल इज अ सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, अभी ऊपर आप पढ़ के आ चुके हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करवाएंगे तो सेल के बराबर होगा, तो ये तो करेक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ सम ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि नेट ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट को प्लस करवाएंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होगा, एक्सपेंसेस मीन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस करवाएं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर आप पढ़ के आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। सो आई होप कि ये 57 के 57 एमसीक्यूज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे, अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी भी एमसीक्यूज के अंदर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।